कुछ कैंडीज में कलर ज़ाहिर यूज होते हैं, तो वो कलर, फ्लेवर, एसिड, वो जाके आफ्टर कुकिंग हम लोग यूज करते हैं। अगर बिफोर कुकिंग में एसिड यूज करूंगा, कलर एसिड का हम सबको पता है कि हम सब एफटीज है माशाल्लाह से, हम सबको पता है कि एसिड अगर हम यूज करते हैं तो एसिड जो है वो अगर जब कुकिंग में जाएगा तो वो शुगर इन्वर्ट हो जाएगी, शुगर सीरप जो है वो शुगर अपना मॉलिक्यूल तोड़ देगा, जो सक्रोज से वो मॉलिक्यूल तोड़ देगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो ज़ाहिर आपका कैंडी के टेक्सचर नहीं बन पाएगा। तो लाजमी है कि इसको कुकिंग के बाद ही एसिड्स को यूज़ किया जाए। फ्लेवर्स अगर हम यूज़ करेंगे हाई हीटिंग पे कुकिंग करेंगे तो फ्लेवर वॉलेटाइल होते हैं, वॉलेटाइल नेचर होते हैं, फ्लेवर लॉस हो जाएगा आपकी कैंडीज के अंदर, कलर, फ्लेवर, एसिड सब जो है हम आफ्टर कुकिंग यूज़ करते हैं। फ्लेवरिंग के बाद जो है इसमें डिपॉजिटिंग हो जाएगी, या स्टैम्पिंग कह सकते हैं, या डाई मोल्ड्स होते हैं, वो मैंने आगे डिफाइन किया, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद इसे कूलिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसकी इंडिविजुअल पैकिंग हो रही होती है और रैपिंग आगे ऐसे चल रही होती है, यूनिट ऑपरेशन भी डिफरेंट हो रहे होते हैं। आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आइएगा तो मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ। इनके पास है स्लाइड में चेंज कीजिएगा। अच्छा, इसमें मैंने जो बताने की कोशिश की कैंडी में, देखिए मैंने आपको बताता ना, दो डिफरेंट बैच प्रोसेसिंग प्लांट है और एक कंटिन्यूस प्लांट है। अब इनका मतलब क्या होता है? कुछ इंडस्ट्रीज में जो पुराने जमाने में जो प्लांट आते थे वो आते थे बैच प्रोसेसिंग प्लांट। इसमें सिंगल बैच बनता था, एक ये आपको नजर आ रहा होगा ये बाउल है, बाउल के ऊपर एक कैप लगा हुआ है, कैप जब इसके अंदर बंद होता है, इसमें हम बाउल में सारी चीजें इंसर्ट करते हैं, इसमें शुगर होता है, ग्लूकोज होता है, पानी होता है। स्लरी बनाने के लिए इस बाउल को हम यूज करते हैं। इस बाउल के अंदर एक जैकेट होती है प्रॉपर स्टीम की, स्टीम से इसको कुकिंग की जाती है। और बाउल के ऊपर अगर आप देखेंगे आपको नजर आ रहा होगा कुछ पाइप्स नजर आ रहे होंगे, एजिटेटर्स भी लगे हुए हैं, पाइप्स भी लगे हुए हैं। ये पाइप्स जो है वैक्यूम करते हैं, एयर पाइप्स होते हैं, वैक्यूम पंप से कनेक्ट होते हैं। इसमें वैक्यूम सक्शन यूनिट लगा हुआ होता है इस बैच वाले प्रोसेस के अंदर। ये बैच प्रोसेस के अंदर बैच निकलता है और बैच की जो पूरी स्लरी है, जब इसके मॉइस्चर पूरा अटेन कर लेते हैं हम लोग, तो उसके बाद इसको हम डालते हैं एक कूलिंग टेबल्स होती हैं जो बहुत पुराने ज़माने में चलती थी, और अभी भी इंडस्ट्रीज में कूलिंग टेबल्स का कॉन्सेप्ट है, कूलिंग टेबल्स यूज़ होती है। कूलिंग टेबल्स अगर आप कोई किसी डॉक्यूमेंट्री को देखेंगे कैंडीज की, उसमें आपको नजर आएगा कि स्लरी के बाद हम कूलिंग टेबल्स इसको स्प्रेड करते हैं पूरी स्लरी को। अच्छा, कूलिंग टेबल्स का, अच्छा कैंडीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ओवरहेड्स में, आपको ओवरहेड्स बताता हूँ। ओवरहेड्स क्या होते हैं रेसिपी के? ओवरहेड्स वो इंग्रेडिएंट होते हैं, वो आइटम्स होते हैं, वो आरएम होते हैं जो आपकी रेसिपी के पार्ट नहीं होते, ओवरहेड्स उनको कहते हैं। कैंडीज में देख लें या कन्फेक्शनरी में अगर देखेंगे तो ओवरहेड्स जो नॉर्मली आपको दो नजर आएंगे हर इंडस्ट्री में और तकरीबन हर प्रोडक्ट में नजर आएंगे, एक होता है टेलकम पाउडर और एक होता है ऑयल, कुकिंग ऑयल, सिंपल कुकिंग ऑयल। ये लोग ये दो चीज़ें क्यों यूज़ करते हैं और रेसिपी के पार्ट क्यों नहीं होती? यार ये एड ये आपके कस्टमर तक नहीं, ये चीज़ें नहीं पहुंचती क्योंकि ये रेसिपी के पार्ट नहीं है, लेकिन ये आपके प्रोसेस के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शुगर सिरप आप किसी भी सरफेस पे रखेंगे तो ज़ाहिर है शुगर उस पर स्टिक कर जाएगी, वो सिरप उस पर स्टिक कर जाएगा। इसकी स्टिकनेस को रोकने के लिए शुगर सिरप को जब हम टेबल्स पे डालते हैं तो ऑयल यूज़ करते हैं। ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, अगर आप ऑयल यूज़ नहीं करेंगे तो सारा सिरप आपके टेबल्स पे, कूलिंग टेबल्स पे जो है वो स्टिक कर जाएगा। ऑयल हम उसके पहले ऑयल अप्लाई करते हैं टेबल्स के अंदर, टेबल्स के बाद इसका सिरप जो बनता है बैच प्रोसेसिंग प्लांट से वो उसमें हम उसको पोर करते हैं, और ऑयल के अंदर ही हम सारे फ्लेवर्स, एसिड्स और जो भी कलरिंग कलर एजिंग एजेंट है हमारे, सारे हम वहाँ पर ऐड करते हैं और उसको मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद जो है फिर ज़्यादा डिफरेंट आपके प्रोसेस स्टार्ट होते हैं, वो आगे आपको स्लाइड में नजर आएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है वो है कंटिन्यूस प्लांट, कंटिन्यूस प्रोसेसिंग प्लांट। इसमें अगर आपको दिख रहा हो कि एक आपका स्क्वायर शेप का एक बना हुआ है, इसके ऊपर वॉल बना हुआ है, ब्लू कलर का वॉल है, ये वॉल है स्टीम का वॉल। इसमें कंटिन्यूस क्यों कहा जा रहा है इसको? क्योंकि इसके अंदर स्लरी पीछे से प्रोडक्ट आ रहा है स्लरी बनके, जिसमें शुगर, ग्लूकोज और वाटर है, इसकी इनपुट होती है और कंटिन्यूस ये चलता रहता है, ये रुकती, ये प्रोसेस रुकता नहीं है। आगे अगर आप देखेंगे इसमें सक्रो फिल्म लिखा हुआ है, सक्रो फिल्म क्यों कहा गया है इसको? इसके प्रोडक्ट इसके नीचे से नीचे मोटर नजर आ रही होगी और दो इसके आपको वेजल भी नजर आ रहे होंगे। इसमें कुछ इसकी जो पंप जो चल रहा होता है और सक्रो फिल्म में जो लुब्रिकेंट्स हैं वो लुब्रिकेंट्स के ये वेजल नजर आ रहे होंगे आपको, बकेट्स। सक्रो फिल्म क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल ये कि सक्रो फिल्म जो है इसकी कुकिंग में हेल्प करता है,
कंटिन्यूस कुकिंग में पाइपिंग सिस्टम पूरा लगा हुआ है इसमें। स्टीम प्रेशर जो हमारा वॉल है ब्लू कलर का, उससे हम स्टीम प्रेशर को सेट करते हैं। स्टीम जो है सक्रो फिल्म के अंदर पूरी रोटेट कर रही होती है, जो कुकिंग मास को कुकिंग में हेल्प करता है। सक्रो फिल्म से जब स्लरी पूरी बाहर निकलती है, तो इसके बाद एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं इनलाइन मिक्सर। इनलाइन मिक्सर क्या करता है, इनलाइन मिक्सर जो है वो सारे एडिटिव्स को, कलर्स को और फ्लेवर्स को मिक्स करता है। उसके अंदर हमें टेबल्स की जरूरत नहीं पड़ती, उसके अंदर हमें किसी हेड काउंट की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है उसके अंदर। ऑटोमेटिक वो सक्रो फिल्म के बाद जाता है इनलाइन मिक्सर में। इनलाइन मिक्सर में एसिड हो गया, कलर है, सारे फ्लेवर्स हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, जितने भी हैं वो सब मिक्स होते हैं ऑटोमेटिक। और ऑटोमेटिक उसके टेम्पिंग बेल्ट पे आ जाता है। वो एक टेम्पिंग बेल्ट होती है, पूरी बेल्ट स्टील बैंड होता है, उसको टेम्पिंग बेल्ट बोलते हैं। टेम्पिंग बेल्ट का मतलब ये कि उसका टेम्परेचर हमें डाउन भी करना है। टेम्परेचर इसका डाउन करना है 145 का जो स्लरी निकलता है, तो टेम्परेचर डाउन होते होते वो तकरीबन डाई में जाने से पहले 80 डिग्री पे हमें लाना होता है, 72-80 डिग्री पे लाना होता है। वही वाली बात है, टेम्परिंग बेल्ट पे जब मास आएगा तो पहले इसकी ऑयल की पूरी एप्लीकेशन होती है, ताकि वो टेम्परिंग बेल्ट पे स्टिकनेस ना आए उस प्रोडक्ट का। फिर वो टेम्परिंग बेल्ट से जब ये मास ठंडा होता है, टेम्परिंग बेल्ट में डिफरेंट, अगर आप कंपनीज में जाएंगे तो डिफरेंट जोन्स होते हैं। वो जोन्स जो है टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं। हर जोन में एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को कूलिंग टेम्परेचर आप कह सकते हैं। कूलिंग होती है इसके अंदर, चिल वाटर की ना शावरिंग हो रही होती है बॉटम से, और पूरा जो बैंड स्टील बैंड है वो पूरा बैंड जो है वो कूल डाउन हो रहा होता है। कूल डाउन के उसके जब हॉट मास आ रहा होता है, तो ऑटोमेटिक उसका मास जो है कूलना शुरू हो जाता है। जब ये कूल होके जाता है आगे डाइज में, तो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा, मैं डाइज भी आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका रहेगा प्लांट होता किस तरह से। जब कूलिंग हो जाएगी मास की, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाऊँ बैठ। अगर नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे तो टेम्परिंग बेल्ट के बाद या कूलिंग टेबल के बाद जब मास कूल हो जाएगा 80 डिग्री पे आ जाएगा, तो उसके बाद हमारे पास डाइज होती हैं, जो उस डाइज को कटिंग करती हैं, मोल्ड करती हैं, कैंडीज की फॉर्म में लेकर आ रही होती है उस मास को। इसमें दो टाइप की डाइज होती हैं। अब दो टाइप की डाइज मैंने इसलिए लिखी है कि दो टाइप के फॉर्मिंग प्लांट्स होते हैं। ये प्लांट भी डिफरेंट हो सकते हैं इंडस्ट्रीज में। कुछ इंडस्ट्रीज में रोटरी डाइस चल रही होती हैं जो राउंड शेप में होती हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में चेन डाइस चल रही होती हैं। इन डाइस को अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो इसमें जो एक सिंगल रॉड नजर आ रही है उसको पंच बोलते हैं। उस पंच के अंदर एक मोल्ड बना हुआ होता है, डिफरेंट कैंडीज की शेप होती है, जिस किसी की ओवल होती है, किसी की सर्कल होती है, किसी की स्क्वायर शेप होती है। उस शेप के, जिस शेप के आपको चाहिए होते हैं आप कंपनी को बताते हो, और कंपनी आपको ये आपको मोल्ड्स बना के डाइज में ला के दे देती है। और ये डाइज 100% SS की होती हैं। SS जो होता है स्टेनलेस स्टील है, और फूड ग्रेड का ये कॉन्सेप्ट है कि जब भी आप फूड इंडस्ट्री में जाएंगे, वो डायरेक्ट कांटेक्ट, कोई भी प्रोडक्ट को अगर डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं कोई भी मेटल चीज, तो मेटल जो है सिर्फ SS का यूज होता है। SS में भी नंबर्स होते हैं, अब आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा, SS में नंबर 106 होता है, 104 होता है, बहुत सारे नंबर होते हैं। तो हाई ग्रेड जो फूड SS हम लोग यूज करते हैं, तो SS की जो डाइज है पूरी, ये 100% SS की डाइज होती है, क्योंकि डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आती है ये प्रोडक्ट से। SS क्यों यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्लांट्स में SS क्यों यूज होता है, मेटल कोई भी आप यूज कर सकते हैं। फरूक जो फरूक ने बताया SS3 16 जो है वो फूड ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है। 316 S भी एक होता है। SS क्यों यूज करते हैं, SS इसलिए यूज करते हैं कि इसमें रस्टिंग ना हो जाए। गुजारे ये वॉशिंग होती है, इस प्लांट की वॉशिंग हो रही होती है हर प्रोसेस के बाद, तो इसमें रस्टिंग ना हो। रस्टिंग हुई तो जाहिर है फूड सेफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रस्टिंग। रस्टिंग प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए, बस यही रीजन होता है कि SS को यूज करने का, रस्टिंग प्रोडक्ट में ना आए और फूड सेफ्टी का कोई इशू ना आए प्रोडक्ट के अंदर। अब मैं बता रहा था कि दो किस्म की डाइज हैं जो नॉर्मली कैंडीज में यूज होती हैं, रोटरी डाइज और कैंडी की चेन डाइज। इस डाइज में अगर आप देखें तो इसमें 38 पंचेस से लेके 68 पंचेस भी जाते हैं। ये इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी कैंडी की शेप का जो डाय है वो कितना बड़ा है, बड़ी कैंडी है या छोटी टाइप की कैंडी है, वो आपको वेरी करता है, ये आप पे डिपेंड करता है आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। चेन डाइज में भी यही चीज़ होती है। इस डाई की स्पीड अगर मैं आपको बताऊं, RPM कितनी तेज ये डाई चलती है, इसके इनके RPM तकरीबन 80
80 पर मिनट इनके आरपीएम होते हैं, 80 पर मिनट आरपीएम समझ होते हैं, किसके कुछ के 90 होते हैं, कुछ के 80, किसके 110 पे भी जा रहे होते हैं। 110 आरपीएम राउंड पर मिनट कहलाता है ये। आरपीएम स्टैंड फॉर राउंड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में वो 80 राउंड्स पूरी डाई लेते हैं, तो मतलब बहुत हाई स्पीड डाइज होती हैं। अगर प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, ऑपरेशनली बताऊं, तो डाइज जो है वो प्लांट की बहुत इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है। डाइज बगैर कुछ भी आप फॉर्म नहीं कर सकते। सबसे हाई कॉस्ट का जो पार्ट होता है वो प्लांट में डाइज ही होती है। फॉर्मिंग में जो पार्ट है वो डाइज के पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब डाई से फॉर्म होती है तो इसमें स्पेसिफिक टेम्परेचर जो होता है 70 to 80 डिग्री लाजमी होता है टेम्परेचर। लेकिन 70 to 80 डिग्री भी बहुत ज़्यादा जो है हॉट इनफ होता है। उसके बाद हम एक कूलिंग टनल यूज़ कर रहे होते हैं। कूलिंग टनल के बाद जो है फिर जाके रैपिंग स्टेज पे आता है। डिफरेंट रैपिंग मशीन्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, जर्मन रैपिंग मशीन्स भी हैं, पाकिस्तानियों ने भी अभी स्टार्ट कर दी है। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी आ गई है। अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी में लाहौर साइड पे जो है पाकिस्तान में काफ़ी टेक्नोलॉजी जो है वो इंक्रीज हो गई है, और वहाँ पे वो लोग लोकली जो है वो रैपिंग मशीन्स को उन्होंने डेवलप कर लिया है। आप लोगों को पता होगा कंट्री के हालात अब ऐसे हैं कि इम्पोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्सेस इंक्रीज हो गए हैं। कंपनीज जो है अब लोकलाइजेशन पे जाने शुरू कर दिए। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी जो इंजीनियरिंग साइड पे हो रही है वो लोकलाइजेशन पे हो रही है। जब आप लोग इंडस्ट्रीज में जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि सब लोग का भी एक यही कॉन्सेप्ट है कि इम्पोर्टेड चीज़ें हम ना यूज़ करें, हम लोग लोकलाइजेशन पे जाएं ताकि टैक्स का भी मसला हल हो जाए और हमारे पास जो डिलीवर टाइम होता है प्रोडक्ट का। अब एक ये चीज़ आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है कि डाइज अगर हम प्रोक्योर करनी है हमें, तो डाइज का जो लीड टाइम होता है जो हमारे पास पहुंची ऑर्डरिंग के बाद, कम से कम 6 मंथ्स का लीड टाइम है। आप 6 मंथ्स पहले उनको बताएंगे वेंडर को, वो बाहर से उसको मैन्युफैक्चर करेगा और आपके पास उस 6 मंथ्स के बाद डिलीवर होगा। पाकिस्तान में तो जाहिर है आप सोचेंगे 6 मंथ अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो आपकी प्रोडक्शन कितनी लॉस हो जाएगी। आपका पूरा आधा साल तो वो समझ लें आपका निकल जाएगा, आपका कस्टमर लॉस होगा, वो आपके बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए लोकलाइजेशन पे जो है अब हर इंडस्ट्रीज काम कर रही है। लोकलाइजेशन में आपके कॉस्ट रिडक्शन भी बहुत हो जाती है और आपका लीड टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप कस्टमर लॉस नहीं होने देता, तो लीड टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 1 मंथ से 2 मंथ्स आपको वो चीज़ डिलीवर हो जाती है। डाइज में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि डाइज में लुब्रिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशनली अगर देखें लुब्रिकेशन अगर आप डाइज की नहीं करेंगे तो डाइज जो है वो कुछ ही दिनों में जो है वेयर एंड टेयर स्टार्ट हो जाएगा। डाइज में डाइज घिसना शुरू हो जाएंगी, इसके जो मेटल पीसीज हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे और डाइज टूट भी सकती हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। कुछ जगह डाइज के एक्सीडेंट भी हुए हैं लुब्रिकेशन ना होने की वजह से। इसमें लुब्रिकेशन में डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इसमें कुछ लोग ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ लोग ग्रीस यूज़ कर रहे होते हैं, और ये जो डाइस जो भी वेंडर आपको देगा वो रिकमेंड करता है कि हमारे डाइस ऑयल बेसिस हैं या ग्रीस बेस है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ बैद। अच्छा, नेक्स्ट जो मैंने एक केस रखा है वो रखा है बबल गम प्रोसेसिंग। जाहिर है बबल गम जो है हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। एक कन्फेक्शनरी बबल गम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बबल गम बहुत सारी होती है, मिंट वाली भी होती है, कुछ फार्मास्यूटिकल बबल गम भी समझ लें। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने भी बबल गम स्टार्ट कर दिए हैं बनाना अब तो बबल गम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कन्फेक्शनरी के अंदर आइटम है। इसमें अगर हम देखें तो मेजर इंग्रेडिएंट जो बबल गम में है वो गम बेस है, आइसिंग शुगर है, ग्लूकोज 45। आप देखें मैं आपको बता रहा था ग्लूकोज 45 जो गम बेस में यूज होता है, बबल गम में यूज होता है, और ग्लूकोज 42 जो है वो कैंडीज में यूज होता है और एंड में एडिटिव्स में यूज हो रहे होते हैं। इसमें जो गम बेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गम बेस डिफरेंट ओरिजिन का होता है और हर ओरिजिन का गम बेस जो है अलग से बिहेव करता है प्रोडक्ट के अंदर। ये आप पे डिपेंड करता है, आप जो है वो सॉफ्ट गम बनाना चाहते हैं या हार्ड गम बेस बनाना चाहते हैं। कभी भी आप देखेंगे फिलिंग वाली जो बबल होगी वो आपको सॉफ्ट टेक्सचर शो करेगी, उसका टेक्सचर सॉफ्ट होगा, और जितनी भी हार्ड वाली होंगी जो गम बेसिस होंगी वो विदाउट फिलिंग आपको यूज़ हो रही होती हैं। इसमें जो मेजर जो इम्पोर्टेंट रोल है गम बेस है और 45 ग्लूकोज 45 हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, ग्लूकोज के बगैर इसमें टेक्सचर डेवलप नहीं होता। गम बेस का में जो है ग्लूकोज के रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, और ग्लूकोज 45 हम इसलिए यूज करते हैं वो बहुत ज़्यादा विस्कस होता है। जब ये इसको कूल डाउन करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में मार्केट में जब बबल जाती है रैपर के अंदर तो ज़्यादा स्टिकनेस भी इसमें नहीं होती। अगर हम दूसरा ग्लूकोज यूज़ करेंगे, कम डी ई वाला यूज़ करेंगे ग्लूकोज हमें, तो उसमें स्टिकनेस का इशू आएगा,
तो इसलिए कोशिश करते हैं लोग 45 या 45 से अबव डी वाला हम लोग इसमें ग्लूकोज यूज करें। इसमें मिक्सर है, सबसे पहले इसमें पहला स्टेप अगर आप देखें तो इसमें मिक्सिंग करते हैं हम लोग। इसमें मिक्सिंग 2 स्टेप मिक्सिंग होती है नॉर्मली। फर्स्ट स्टेप पे जो है सारे एडिटिव्स, और इसमें गम्बेस हाफ होती है, जितनी भी रेसिपी होती है नॉर्मली कंपनी हाफ गम्बेस यूज करती है। एडिटिव्स होगी, हाफ गम्बेस होगी, आइसिंग शुगर होगी और ग्लूकोज हो गया। इसको हम फर्स्ट फेज पे यूज करते हैं नॉर्मली। अगर आप टाइमिंग अगर देखें मिक्सिंग टाइमिंग जो है वो 5 to 6 मिनट की मिक्सिंग टाइमिंग, और इसके मिक्सर जो है लिंडन मिक्सर कहलाते हैं। नॉर्मली लिंडन मिक्सर जो है बहुत हाई स्पीड मिक्सर है। मैंने आपको आगे पिक्चर लगा के अटैच की है, वो आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा कि मिक्सर किस टाइप के होते हैं। जेड ब्लेड मिक्सर होते हैं, ये बहुत ही हाई स्पीड मिक्सर होते हैं, बहुत हाई पावर की इनकी मोटर्स होती हैं। इससे ये ज़्यादा गम बेस जो है डिफरेंट, अच्छा गम बेसिस जो है वो किस शेप में आती है, एक शेप आपको बता देता हूँ। गम बेस जो है वो शीट्स की फॉर्म में आती हैं। कुछ सप्लायर आपको शीट की फॉर्म में देते हैं, कुछ सप्लायर आपको बार की फॉर्म में देते हैं। ये डिपेंड करता है सप्लायर के प्रोसेस पे कि सप्लायर कौन से ओरिजिन से किस प्रोसेस के प्लांट से गुजार के वो गम बेस आपको ला के दे रहा है। शीट्स की फॉर्म में भी आ रही होती है नॉर्मली गम बेस, और बार्स की फॉर्म में। बार्स वाली गम बेस जो है वो ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत टेक्सचर उसका हार्ड हो रहा होता है। जब मिक्सिंग में इसको हम डालते हैं पहले स्टेप पे, तो सेकंड स्टेप पे जो बाकी जगह गम्बेस हमारी बचती है, जो हाफ हमने रखी रखी थी फर्स्ट स्टेप में, वो सेकंड में हम गम्बेस ऐड करते हैं। फिर उसके मिक्सिंग टाइम होता है 10 मिनट का मिक्सिंग टाइम देते हैं, ताकि जितने भी एडिटिव्स हैं वो कम्प्लीटली उसके अंदर मिक्स हो जाएं। अच्छा, मिक्सर में 45 डिग्री मैंने क्यों लिखा हुआ है, इसमें कुकिंग तो इन्वॉल्व नहीं है, ना इसमें कुकिंग इन्वॉल्व है, ना इसमें एवोपरेशन की जो वाटर है वो इन्वॉल्व है। 45 जो टेम्परेचर रिकमेंडेड है वो है गम्बेस और गम्बेस की बिहेवियर पे। गम्बेस को जितना आप टेम्परेचर देंगे उतना गम्बेस सॉफ्ट हो जाएगा, और सॉफ्ट हमें क्यों करना है, क्योंकि मिक्सर के अंदर सॉफ्ट होगा तो एडिटिव्स उसमें अच्छे खासे मिक्स हो सकेंगे। अगर गम्बेस हार्ड होगा तो एडिटिव्स मिक्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गम्बेस का लिंडन मिक्सर पे कोई आप बैच बना रहे हैं, तो मिनिमम बैच भी जो है वो 400 to 500 kg का होता है। 400 kg का बैच होता है, और अगर आप एक बबल गम देखेंगे तो बबल गम मुश्किल से 3 ग्राम या 4 ग्राम्स की बबल गम आपको मिल रही होती है, कस्टमर को मिलती है। तो 3 ग्राम के अंदर भी हमें उतने ही क्वांटिटी में एडिटिव्स ऐड करना है जो पूरे 500 kg के बैच में हुआ था। तो इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। 45 से कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 45 से कम होगा तो आपके मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी, और प्रोडक्ट क्वालिटी आपकी बहुत डिफरेंट हो जाएगी। अगर कम आ रहा होगा, उसमें कलर का मसला आ रहा होगा, तो 45 डिग्री रखने का मकसद यही है कि आपकी मिक्सिंग प्रॉपर हो जाए उसमें। तो 45 डिग्री कैसे होता है, इसमें क्या प्रोसेस चल रहा होता है हीटिंग का? हीटिंग का प्रोसेस ऐसा होता है कि इसके अंदर जैकेट्स लगी होती हैं, ये जैकेटेड मिक्सर होते हैं। इसके अंदर कुछ कंपनीज जो है वो ऑयल यूज करती हैं, जो हॉट ऑयल होता है। हॉट ऑयल इसके अंदर जो है पूरा रिवॉल्व करता है, उसकी जैकेट के अंदर चल रहा होता है, सर्कुलेट करता है। कुछ कंपनीज इसके अंदर हॉट वाटर यूज कर रही होती हैं। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, जिस कंपनी का वो मिक्सर होगा वो कंपनी जो है वो वही चीज यूज करेगा। अगर लिंडन मिक्सर है, लिंडन मिक्सर नॉर्मली यूज होता है, तो उसके अंदर ऑयल यूज हो रहा होता है जो उसकी जैकेट में सर्कुलेट कर रहा होता है। मिक्सिंग के बाद जो गम मास जो पूरा बनता है 500 kg का या 400 kg का जो गम मास है, वो हम डालते हैं कटिंग टेबल पे। गम मास की कटिंग टेबल होती है, उसको कटिंग टेबल हम क्यों कर रहे होते हैं, कटिंग हम लोग पीसीस में उसको काटना होता है हमें। गम मास जो पूरा बड़ा बना बन जाता है 500 kg का, उसको हम टेबल पे रख के उसको काटते हैं। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारे प्लांट की रिक्वायरमेंट, समझ ले कि हमें कितने केजी का एक गम मास का पीस चाहिए है जो हमारे एक्सट्रूडर में आगे जाके प्रोसेस में ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद उसको गम मास को मैं ऐड कर, एक्सक्लूडर के अंदर भी 45 डिग्री का लाजमी है कि टेम्परेचर हो, क्योंकि एक्सक्लूडर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गम मास के अंदर, और बबल गम जितनी भी बबल्स के प्रोसेस हैं उसमें एक्सक्लूडर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने एक्सक्लूडर अलग से भी शो करवा दिया है, प्रेजेंटेशन में आपको मैं दिखा दूंगा। अच्छा, एक्सक्रूडर के बाद जो है वो स्टार्ट होता है कट एंड रैप मशीन्स पे और डाइज। मैंने ये तो
ऐसी होती है जो कट भी करती है उस गम को, मांस को, और उसको रैप भी कर देती है। जब एक्सट्रूडर से रोप निकलती है, जो मांस होता है उस मांस को हम कन्वर्ट करते हैं रोप में थ्रू एक्सट्रूडर। एक्सट्रूडर एक रोप फॉर्म में आपका गम मांस देता है, और गम मांस जब रोप जाती है तो उस मशीन को वो कट, एक मशीन होती है उसको कट भी करती है और रैप भी करती है, तो उसका नाम होता है कट एंड रैप मशीन्स। ये मशीन्स भी जो है बहुत हाई स्पीड मशीन्स होती हैं। इस मशीन की अगर आप, आपको मैं टेंटेटिव स्पीड्स बताऊं तो ये तकरीबन 700 to 1000 पीसेस पर मिनट की मशीन्स होती हैं। बहुत हाई स्पीड मशीन्स होती हैं जो कट भी करती हैं और रैप भी करती हैं। और कुछ बबल में आपने देखा होगा कि आप डबल रैपर भी नजर आ रहा होता है, डबल रैपिंग भी इसमें इन्वॉल्व होती है। और कुछ ये डाइज मैंने क्यों लिखी है, डाइज मैंने इसलिए लिखी है, अगर आप देखें सेंटर फिलिंग वाली जो बबल्स हैं उस, वो जैसे कैंडीज की डाइज थी सेम एग्जैक्टली वही डाइज होती है। नॉर्मली प्लांट भी इनका वही होता है, फॉर्मिंग में प्लांट होता है, इन डाइज का सेम प्लांट होता है, सेम वही डाइज से वो रोप जो है वो डाइज फॉर्म में जो है गम की शेप आती है, बबल की शेप आती है, उसके बाद रैपिंग मशीन में चली आती है। सेम प्रोसेस जो है वो कैंडी वाला इसमें अप्लाई होता है डाइस की फॉर्म में, अगर डाइस वाली हमें कोई गम बबल गम बनानी है। नेक्स्ट मैं स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ इसमें जो इसके पार्ट्स यूज होते हैं इस प्रोसेस में, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे दूंगा। इंडस्ट्रीज में नॉर्मली जो है लिग्निन यूज होते हैं, जर्मनी के ब्रांड है लिंडन मिक्सर के अंदर, मैंने आपको बताया था कि ऑयल की सर्कुलेशन होती है, और लिंडन मिक्सर का जो जो अपीयरेंस होती है वो आप देख सकते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो इसकी जिसके आर्म्स हैं, जो आर्म्स कौन से आर्म्स लगे हुए हैं, आपको कौन से आर्म आपकी बबल के लिए चाहिए। बबल आर्म्स जो है वो एक पूरी मिक्सिंग के एक टेबल होता है, अगर आप लोग कभी जाएंगे इंडस्ट्रीज में तो आप R&D में कोई काम करेगा तो मिक्सिंग इंडेक्स होता है एक, वो मिक्सिंग इंडेक्स जो है वो आर्म्स बहुत डिपेंड करता है, जिस टाइप का आर्म होगा, जेड ब्लेड आर्म होगा, कोई सा भी आर्म होगा, आर्म भी आप लोग बहुत सारा देंगे। अच्छा इंडियन मिक्सर के अंदर जो है इसके बाद जो है आपका अगर लेने में से मैं देखूं तो इसमें देखिए ये ब्लेड, मैंने एक ब्लेड भी दिखा दी है, ये ब्लेड की आप थिकनेस देखें कितना थिक ब्लेड है इसकी, क्योंकि थिकनेस इसलिए रखी है कि ये बहुत हाई स्पीड ब्लेड्स होते हैं। इसकी मोटर बहुत हाई एम्पीयर इसकी मोटर होती है इसकी। एक्सट्रूडर एक क्या चीज है, एक्सट्रूडर पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बबल्स का, बबल्स का ये नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा उपेद। अच्छा एक्सट्रूडर जो वो काम कैसे करता है, एक्सट्रूडर पे समझ लें इट सेल्फ एक पूरी एक पूरा प्लांट ही कह सकते हैं इसको, ये छोटा सा प्लांट होता है। एक्सट्रूडर के हॉपर बना हुआ है, हॉपर से जो हमने टेबल पे गम मास के जो पीसेस कट किए थे वो हम इस हॉपर में इंसर्ट करते हैं। हॉपर में डालने के बाद देखें पूरा बैरल एक ये जो पूरा पार्ट है ना इसको बोलते हैं हेड, एक्सक्लूडर हेड है ये, हॉपर के बाद एक्सक्लूडर हेड कहलाता है। उस हेड के अंदर डिफरेंट पार्ट्स इंस्टॉल होते हैं, उसमें बैरल होता है, स्क्रू होता है, और हीटर्स लगे होते हैं। अब हीटर्स यहाँ भी लगाए हुए हैं और यहाँ भी हमने 45 टेम्परेचर को मेंटेन करना है। 45 टेम्परेचर हमारा मिक्सर में मेंटेन होता है और एक्सक्लूडर में भी मेंटेन होता है 45 के हीटर्स। अच्छा डिफरेंट टाइप के हीटर्स, कुछ लोग इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज कर रहे होते हैं, कुछ लोग इसमें जैकेट्स चला रहे होते हैं, वाटर की जैकेट होती है, कुछ एक्सट्रूडर में ऑयल की जैकेट होती है, कुछ लोग डायरेक्टली हीटिंग एलिमेंट वाले हीटर्स जो नॉर्मली यूज हो रहे होते हैं वो यूज करते हैं। तो इसमें ये डिफरेंट टाइप्स है हमारे एक्सक्लूडर्स की। एक्सक्लूडर के बाद एंड में लिखा हुआ है डाई, डाई क्या है चीज है इसमें, डाई है आपको राउंड शेप में रोप चाहिए, आपको स्क्वायर शेप में रोप चाहिए। जैसे अगर आप डिंगडोंग का देखिए, डिंगडोंग का जो है स्क्वायर शेप रेक्टेंगल शेप है, तो जिस शेप की आपको चाहिए होगी उस शेप की आपको डाई इंस्टॉल करनी है, और हाई प्रेशर से जब एक्सक्रूड होता है तो वो उसी शेप में आपका पूरी एक रोप निकलना शुरू हो जाती है। जब रोप निकलती है तो फिर आपको उसको स्ट्रेचिंग, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट जो बबल्स में है वो स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचिंग कंट्रोल करनी है। इस स्टेज के बाद आपकी वो स्ट्रेचिंग जो है उसे कंट्रोल करना है, क्योंकि जाहिर गम बेस जो है वो पूरा स्ट्रेचिंग वाला इसके प्रॉपर्टी होती है। जब पूरा मास बन जाता है इसमें ग्लूकोज भी होता है, शुगर भी होती है, डिफरेंट एडिटिव्स भी होते हैं, तो स्ट्रेचिंग जो है बहुत कंट्रोल करनी है इस स्टेज के बाद। इसके बाद आता है कूलिंग टनल, टनल के अंदर अगर आप देखें तो 5 to 6 layer टायर्स बोल सकते हैं उसको, टायर्स कन्वेयर्स होती हैं जो रिवॉल्व कर रही थी, उस कन्वेयर्स की स्पीड सिंक्रोनाइज होती है एक दूसरे से।
ये आप पे डिपेंड करता है, या आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं, हाईली स्किल्ड ऑपरेटर्स होते हैं जो प्रोडक्शन में काम करते हैं, उनको अंदाजा होता है, एक्सपीरियंस होता है कि कौन सी कन्वेयर को कितनी स्पीड पे चलाना है और हमारी स्ट्रेचिंग को कंट्रोल करना है। अगर स्ट्रेचिंग कंट्रोल नहीं होगी तो रैपिंग मशीन से पहले ही ये ब्रेक हो जाएगी, आपकी रो ब्रेक हो जाएगी, आपकी मशीन आगे जाके रुक जाएंगी। तो ये स्ट्रेचिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ऑपरेटर के एक्सपीरियंस पे, कितने कितना ऑपरेटर एक्सपीरियंस है आपका, कितनी टायर्ड्स को वो, कितनी कन्वेयर्स की स्पीड्स को वो किस तरह सेट करता है। स्ट्रेचिंग जो है आपकी मिक्सिंग से भी बैलेंस कर सकते हैं आप लोग, मिक्सिंग से कंट्रोल कर सकते हैं, और मिक्सिंग के बाद आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं कन्वेयर से, जो कूलिंग टनल की कन्वेयर्स होती हैं। कूलिंग टनल के बाद जो जाता है वो कट एंड रैप मशीन जो मैंने आपको बताई थी, कट एंड रैप मशीन में जाता है, रैपिंग होती है उसकी, रैपिंग स्पीड अप्रोक्सीमेटली 700 to 1000, कुछ की 1000 से अबव भी जाती है, 1100 1200 की स्पीड भी चल रही होती है, पीस पर मिनट की स्पीड होती है ये, इतनी हाई स्पीड में मशीन चल रही होती हैं। बबल्स गम के बाद जो है वो आपका एक और प्रोसेस मैंने इसमें ऐड कर दिया है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे दूँ कि इंडस्ट्रीज में कन्फेक्शनरी के कैसे प्लांट चल रहे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आइएगा उबैद, आई थिंक सेकेंड लास्ट स्लाइड है ये, सेशन टाइम भी एंड हो रहा है। इसमें जो प्रोसेस मैंने डिफाइन करने की कोशिश की है ये है आपका वेफर प्रोसेसिंग। अच्छा, वेफर्स जो है वो डिफरेंट टाइप के वेफर्स होते हैं, आपने देखा होगा एक नोविटा वेफर होता है, वो होता है शीट वेफर, इसको हम बोलते हैं शीट का वेफर, ये शीट्स बनी हुई होती हैं उसी कटिंग करते हैं। एक आपने देखा होगा बीपी वाले भी बना रहे होते हैं और कुछ हिलाल वाले भी बना रहे होते हैं, उसमें रोल वेफर होते हैं, वेफर रोल्स कहलाते हैं, वो स्टिक्स होती है, रोल वाली स्टिक्स होती है, रोलिंग स्टिक्स होती हैं। तो वेफर जो है आप पे डिपेंड करता है आपके पास कौन सा प्लांट है, किस टाइप का वेफर करना है, लेकिन वेफर का थोड़ा सा केमिस्ट्री या थोड़ा सा वेफर की रेसिपी या प्लांट पे कैसे बिहेव करता है वो थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा। वेफर में होता क्या है, वेफर में एक बैटर बनता है, मास नहीं बनता, जैसे बिस्किट में एक मास बनता है, पूरा डो बनता है, इसमें डो नहीं होता, ये बैटर होता है, बहुत बैटर का आप विस्कोसिटी बहुत ही कम होती है, बहुत ही लिक्विड फॉर्म में बैटर होता है। इसमें अगर आप देखें तो 70% इसमें वाटर ही होता है बैटर के अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा पतला बैटर होता है। इसमें फ्लावर होता है, मेजर इंपॉर्टेंट फ्लावर है, शुगर होती है, वाटर होता है और एडिटिव्स होता है। अच्छा, शुगर जो है एक बात और भी है कि शुगर जो है डिफरेंट रेसिपीज में इसकी शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज करती है, शुगर जो है शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज करता है, टेक्सचर के साथ टेस्ट के साथ शेल्फ लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है शुगर का। शुगर अगर आपको बताऊं तो शुगर जो है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है, वाटर को बाउंड करता है, तो वाटर जब बाउंड प्रोडक्ट में करता है तो वाटर फ्री नहीं रहता, जब वाटर फ्री नहीं रहेगा तो शुगर की शेल्फ लाइफ ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो नॉर्मली लोग रेसिपी में शुगर जो है शेल्फ लाइफ के लिए भी यूज़ करते हैं, फ्लावर शुगर वाटर एंड एडिटिव्स इसमें यूज़ करते हैं, इसमें मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग का जो इसका टेम्परेचर है वो है 20 to 25 डिग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम बैटर बनाएंगे तो बैटर जो है वो बहुत ही ठंडे इन्वायरमेंट में बनता है, इसका जो एरिया होता है वो भी बहुत कूलिंग टेम्परेचर पे होता है, चिल टेम्परेचर होता है, 25 डिग्री 22 डिग्री का इसका टेम्परेचर होता है एरिया का, और इसका जो मिक्सिंग का अपना टेम्परेचर है वो भी बहुत कूल डाउन होता है। कुछ लोग तो इस वेफर की प्रोसेसिंग में बैटर में आइस भी यूज़ करते हैं, आइस मिक्सिंग में यूज करते हैं, तो आइस जब बीटिंग होती है आइस की तो ऑटोमेटिकली वाटर में कन्वर्ट होती है और वो बैटर आपको बहुत चिल्ड बैटर मिलता है, जितना चिल्ड बैटर होगा उतना ही आपके लिए आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत बेहतर होता है। जितना आप फ्लावर को रखेंगे पानी में डिप करेंगे जैसे बैटर बनाएंगे तो वो बाय द टाइम विस्कस होना शुरू हो जाता है, जब विस्कस हो जाएगा जाहिर है आपके प्लांट पे फिर वो रनेबिलिटी उस बैटर के नहीं रहती, वेस्टेज फैक्टर इंक्रीज हो जाते हैं, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, तो सारे जो इम्पैक्ट है आपका बैटर की टेम्परेचर पे होता है। हर प्रोसेस में अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रीज में हर प्रोडक्ट पे प्रोसेस पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कन्फेक्शनरी में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का है, उसके इन्वायरमेंट की टेम्परेचर ह्यूमिडिटी हर प्रोडक्ट की बहुत डिफरेंट होती है। बैटर जब चिल बैटर आपका प्रोसेस हो जाता है, चिल बैटर के बाद जो है बेकिंग स्टार्ट होती है, बेकिंग में इसका भी मॉइस्चर कंटेंट जो है लेस देन 2.5% होता है, क्योंकि 2.5% अगर नहीं हुआ तो जाहिर है हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है, फ्लावर और सारे शुगर होते हैं वो मॉइस्चर को अपने अंदर अटैक करती हैं और वो वेफर जो है वो सोगीनेस की तरफ चले जाता है, जब फ्री वाटर उसके अंदर आ जाएगा जाहिर है फंगस ग्रोथ हो जाएगी और
बैक्टीरियल काउंट बढ़ जाएगा और बहुत सारे इश्यूज उसमें प्रोडक्ट क्वालिटी में आना शुरू हो जाता है। तो लेस देन 2.5%, आप बिस्किट को भी देखें, बिस्किट्स में 2.5% 2% इतना ही स्टैंडर्ड नॉर्मली कंपनीज दे रही होती हैं। तो बेकिंग हो रही होती है तो बेकिंग का जो टेम्परेचर है, अगर रोलिंग वाले टेम्परेचर की बात करें, रोलिंग में भी रोलिंग के जो ओवन होते हैं इसमें बड़े बड़े रोल्स लगे हुए होते हैं, ड्रम्स टाइप के होते हैं। ये ड्रम्स के अंदर डिपॉजिट बैटर कर रहा होता है, डिपॉजिट जब बैटर करता है तो ये ड्रम्स जो है वो अंदर इसमें पूरे फायर लगा होता है ड्रम्स के अंदर। ड्रम्स बहुत काफी हीट होते हैं, हीटेड होते हैं, 250 डिग्री, कुछ 280 डिग्री, इस तरीके के इनके डिग्री के टेम्परेचर्स होते हैं। डिग्री सेल्सियस पे चल रहे हो तो 280 250 डिग्री सेल्सियस पे, ये आपके आप पे डिपेंड करता है, आप ओवन की स्पीड क्या चला रहे हो वो सब चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। ओवन से जब रोल बनता है, रोल ज़्यादा जब गर्म रोल होता है तो वो रोल हो सकता है, जब ठंडा हो जाएगा बैटर तो आफ्टर बेकिंग वो ब्रिटल हो जाता है, उसका टेक्सचर तो हार्ड हो जाता है। तो जब गर्म गर्म जब वेफर निकलते हैं तो वेफर की रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, रोलिंग के बाद या रोलिंग कर लें या शीटिंग कर लें, शीटिंग वाले बैटर भी होते हैं, शीट भी पूरी बन रही होती है। शीट्स में आप अगर आपको मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊँ तो दो प्लेट्स लगी होती हैं, प्लेट्स के अंदर बैटर डिपॉजिट करते हैं और प्लेट्स को बंद कर देते हैं। जब प्लेट्स बंद होती है तो ऑटोमेटिक बैटर वो शीट फॉर्म में आ जाता है और वो ओवन में शीट चले आती है और शीट्स गर्म होती हैं। शीट्स गर्म होती है तो पूरी जब वो शीट प्लेट्स खुलती हैं तो प्लेट्स के अंदर वो पूरी शीट फॉर्म हुई हुई होती है। तो शीट्स का ओवन ऐसा होता है और रोलिंग वाला ओवन ड्रम टाइप का ओवन होता है, ड्रम पूरा राउंड और राउंड क्लॉक घूम रहा होता है। आफ्टर बेकिंग फिर हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्रीम की एप्लीकेशन करते हैं, रोल्स के अंदर क्रीम इंसर्ट होती है और शीट्स के अंदर क्रीम अप्लाई होती है ऑन द टॉप लेयर पे। अगर आप नो माइक्रोन साइज की चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट बनती है काउच से, काउचिंग से, और बॉल मिल आपकी एक पूरी प्लांट होता है, बॉल मिल का प्लांट होता है, इसमें बॉल्स के जरिए जो है वो आपके जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो उसको रिड्यूस करते हैं। क्रीम एप्लीकेशन जो है, अब आप देखेंगे इसमें मैंने इसमें टेम्परेचर मेंशन किया हुआ है 40 डिग्री का। 40 डिग्री क्यों है, क्योंकि 40 डिग्री जितना आपकी क्रीम 40 डिग्री पे होगी और थोड़ी गर्म एनवायरनमेंट में जा रही होगी तो क्रीम की एप्लीकेशन उतनी ही इवनली होगी। अगर क्रीम ठंडी लगे तो क्रीम जो है वो जैसे हाई फैट कॉन्टेंट होता है क्रीम के अंदर, तो फैट जो है वो ज़्यादा एप्लीकेशन में इशू करता है, प्लांट में भी इशू करता है, एप्लीकेशन में भी इशू करता है, उनके नोजल्स भी होते हैं प्लांट में, नोजल्स होते हैं क्रीम के, वो चौक होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके क्रीम का टेम्परेचर जो होता है एग्जैक्टली जो होता है वो 42 45 डिग्री पे हम लोग मेंटेन करके चल रहे होते हैं, बेशक वो प्लांट शीट वाला हो, बेशक वो प्लांट रोल वाला हो। देन उसके बाद जो है उसकी कटिंग होती है और उसके बाद उसकी रैपिंग मशीन स्टार्ट होते हैं, रैपिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश है मैंने यही की है कि इंडस्ट्रियल थोड़ा सा आप लोगों को फीडबैक दे दूं कि इंडस्ट्रीज में कन्फेक्शनरी की इंडस्ट्रीज कैसे रन करती हैं, कैसे प्लांट्स होते हैं। कोशिश मेरी यही थी कि मैक्सिमम आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, कि कोई अगर क्वेश्चन हो, किसी का क्यूरी हो तो वो जाहिर पूछ सकता है मुझसे, बाद में भी कोई क्यूरी हो तो बाद में आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी चीज़ समझने आई हो तो वो बेशक मुझसे कुछ भी पूछ सकता है, कोई इशू नहीं है। कोई अगर प्रीवियस कोई भी चीज़ समझने आई हो, कोई चीज़ परेशान कर रही हो, अच्छा मॉइस्चर कंटेंट डिफाइन मैं ऐसे कर देता हूँ, कन्फेक्शनरी आइटम में मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, देखिए कन्फेक्शनरी आइटम में
कन्फेक्शनरी में शुगर जो होती हैं, जितनी भी शुगर्स होती हैं, जितने भी कन्फेक्शनरी के आइटम्स हैं, नॉर्मली जो है वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। अगर आप पढ़ेंगे कि डिफरेंट शुगर्स होती हैं, अगर नॉर्मली बात करो तो एक मॉलिक्यूल शुगर का जो है 8 मॉलिक्यूल्स वाटर कंटेंट को बाइंड कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। अब वो डिपेंड करता है कि शुगर का स्ट्रक्चर कौन सा है, मतलब शुगर इतना ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, इसलिए कन्फेक्शनरी के आइटम्स में जितना भी आइटम्स में हम लोग मॉइस्चर कंटेंट कम से कम रखते हैं, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना शुगर से वो बाइंड करेगा, और शुगर से जब बाइंड करेगा तो उसके टेक्सचर में जो है वो बहुत डिफरेंस शो हो जाएगा, और उसकी केमिस्ट्री पूरी प्रोडक्ट की आपकी चेंज हो जाएगी। लेकिन बबल गम और च्युइंग गम का डिफरेंस जो है वो ऐसे कोई नहीं होता बाय डेफिनेशन, तो ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि बबल जो है वो होती ही च्युइंग एबिलिटी है। बबल गम्स सारी जो है जितनी भी बनती है दुनिया भर में वो सारी गम बेस होती हैं, और गम बेस की प्रॉपर्टी ही ये है कि च्युइंग एबिलिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। जितनी च्युइंग एबिलिटी ज़्यादा होगी उतना वो अपने अंदर फ्लेवर्स को और एडिटिव्स को होल्ड रखेगा, और उतना ही ज़्यादा आपके जो फ्लेवर जब आप लोग कंज्यूम करेंगे किसी भी बबल गम को, तो उतना ज़्यादा देर तक वो बबल आपकी फ्लेवर आपको देती रहेगी। ये आप कभी आप लोग बबल्स अगर आप कभी कंज्यूम करें तो आप लोग ये चेक कीजिएगा, कुछ कंपनीज की बबल का जो फ्लेवर है वो एंड तक चलता है, कुछ कंपनीज का जो फ्लेवर है वो बहुत जल्दी लॉस हो जाता है, 1 से 2 मिनट मैक्सिमम 3 मिनट्स के अंदर वो फ्लेवर लॉस हो जाता है, और सिंपल आपके जो माउथ में है वो गम बेस ही रह जाता है खाली। तो ये गम बेस की प्रॉपर्टी ही होती है कि अपने अंदर होल्ड करे, और च्युइंग एबिलिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए उसके अंदर, जितनी एबिलिटी ज्यादा होगी उतना फ्लेवर एनहांस होगा और फ्लेवर एंड तक आपको चलता रहेगा। हार्ड बॉइल्ड कैंडीज का मैंने आपको टेम्परेचर बताया था, हार्ड बॉइल्ड कैंडीज जिसमें, अच्छा कैंडीज में दो टाइप्स की कैंडीज भी होती हैं, एक मिल्क बेस्ड कैंडीज होती हैं, एक नॉर्मल नॉन मिल्क बेस्ड कैंडीज होती हैं। जो मिल्क बेस्ड कैंडीज होती है नॉर्मली जिसके अंदर टेम्परेचर कम रखा जाता है, उसका टेम्परेचर 145 डिग्री होता है। अच्छा एक्लेयर की अगर बात करें, एक्लेयर स्पेसिफिक कैंडी होती है जो सॉफ्ट टेक्सचर वाली होती है, उसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है नॉर्मल कैंडी से, उसके अंदर मिल्क होता है, उसमें आपने देखा वो स्ट्रेचिंग भी होती है। स्ट्रेचिंग क्यों होती है क्लियर में, क्योंकि अंदर मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है और उसमें ग्लूकोज कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उसका स्ट्रेचिंग भी प्रोटीन की वजह से आ रही होती है। उसका टेम्परेचर आप देखें मिल्क बेस का, तो मिल्क बेस का टेम्परेचर होता है आपका 125, मैक्सिमम 125 होता है, कुछ कंपनीज 115 रखती है, ये इट डिपेंड्स कि आपकी रेसिपी किस तरीके से बनी हुई है उस रेसिपी में। तो लेकिन अगर नॉन मिल्क बेस्ड कैंडी होगी तो उसका तो एग्जैक्टली टेम्परेचर 145 होता है, 140 और 145, 140 से कम नहीं कर सकते और 145 से ज़्यादा भी नहीं कर सकते। कन्फेक्शनरी में एक्सक्लूजन जो होती है नॉर्मली बबल गम्स में ही हो रही होती है, जितनी भी एक्सक्लूजन बबल्स जितनी भी बनती हैं, जितने भी प्रोसेस बबल्स के हैं, चाहे वो बबल्स किसी भी शेप की हो, वो सारी एक्सक्लूजन के ही मेथड से प्रोड्यूस होती हैं। एक्सक्लूजन नहीं होगा तो जाहिर है बबल्स जो है वो शेप अपना टेक्सचर डिवेलप नहीं कर पाएगा। वेफर टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को क्लियर कर देंगी तो मैं आंसर दे देता हूँ कि वेफर टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है आपकी, व्हाई वी यूज वेफर टेक्नोलॉजी। देखिए वेफर जो है इटसेल्फ एक प्रोडक्ट है जो कन्फेक्शनरी की ही डोमेन में आता है। वेफर जो है शीट वेफर्स भी होते हैं, रोल वेफर्स भी कहलाते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, आपने शॉर्टकट देखा होगा, बहुत छोटे छोटे फ्लो टाइप के शेप होता है उनका, शॉर्टकट का जो शॉर्टकट बहुत पहले चलता था, लव लेटर्स बहुत
फेमस ब्रांड है, लव लेटर्स है, उस टाइप के वेफर्स भी होते हैं मार्केट में। अगर आपको लैब में च्युइंगम बनानी है तो सबसे पहले तो आप गम बेस और जितनी भी रेसिपीज आपने डेवलप की हैं उसको हीटिंग मीडियम, तो जाहिर हम लैब में दे सकते हैं हीटिंग मीडियम दें, और इसको नीडिंग आप कर सकते हैं। आप मिक्सर नहीं तो आप नीडिंग कर सकते हैं, हाथ से नीडिंग करना इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि गम बेस के अंदर आइसिंग शुगर और ग्लूकोज सीरप का प्रॉपरली मिक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मिक्स नहीं होगा तो टेक्सचर डेवलप नहीं करेगा और आपके माउथ फील में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। एडिटिव्स और साथ नीडिंग आप लोग कर सकते हैं, मैनुअली नीडिंग हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर मेंटेन होना जरूरी है, 45 to 50 डिग्री, 50 डिग्री आप कर सकते हैं, 5 डिग्री आप और इंक्रीज कर सकते हैं ताकि नीडिंग आपकी प्रॉपर हो सके। आप देखेंगी जितने भी आप लोग हीट ज़्यादा देंगे गम बेस को उतना ही वो सॉफ्ट हो जाएगा, और जितना सॉफ्ट होगा जाएगा उतनी नीडिंग आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा। और किसी को क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। वंस अगेन थैंक्स टू सोयरा इंटरनेशनल कि आप लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और हम लोग को भी प्लेटफॉर्म मिला, कि ज़ाहिर है आप लोगों से कोऑर्डिनेशन होती है। एकेडमिक का और इंडस्ट्रियल का रिलेशन जितना बेहतर होगा उतना हम सबके लिए ही जो है वो बेहतर है, हमारे लिए बेहतर है, हमारे फ्यूचर के लिए बेहतर है, इंडस्ट्रीज़ के लिए बेहतर है। क्योंकि इंडस्ट्रीज में जितने भी आप लोग देखेंगे जाएंगे तो अभी भी जो है 10-12 साल पहले की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन अभी भी मैं आपको बताऊं कि 50% लोग जो है वो नॉन फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं जो इंडस्ट्रीज को रन कर रहे हैं। जहाँ मैंने जॉब स्टार्ट की थी तो मेरे दौर में तो समझ लीजिए 90% नॉन फूड टेक्नोलॉजिस्ट थे जो रन कर रहे थे। अब तो माशाल्लाह से काफ़ी फूड टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो मार्केट में इन हो गए हैं और सब ने ही अपने आप को मनवाया है, इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े नाम हैं आप लोग अगर देखें तो। हम लोग को ज़ाहिर है वो पुराने लोग जितने भी हैं उनसे सीखना चाहिए और उनको ज़ाहिर है वो रिप्लेसमेंट भी एक होती है ना, कंपनी को एक हमें बेनिफिट देना है, हम अपनी टेक्नोलॉजी से स्टडीज से कंपनी को एक बहुत बेनिफिट दे सकते हैं और दे भी रहे हैं। दुनिया भर में अगर आप देखें तो FTs जो है वो काफ़ी कॉस्ट कटिंग भी करते हैं, काफ़ी प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी हो रही है, काफ़ी चीज़ें इनोवेशंस में भी जा रही हैं। तो ज़ाहिर है फूड टेक्नोलॉजीज प्रोड्यूस हुए हैं मार्केट में, तो ये सारी चीज़ें मार्केट में हो रही हैं। पहले रेसिपीज जो थी ज़ाहिर है वो पुराने लोग बनाया करते थे, अब रेसिपीज ज़ाहिर है हम लोग बनाते हैं, और रेसिपीज जब हम लोग बनाते तो हम लोग सारा उसे केमिकल बिहेवियर, उसकी शेल्फ लाइफ स्टडी, उसके पैकेजिंग कौन सी यूज़ होती है, पैकेजिंग की बहुत बड़ी के जो है वो थ्योरी है, पूरी साइंस है पैकेजिंग की, पैकेजिंग पे बहुत इम्प्रूवमेंट हो गई है मार्केट में, वो सारी चीज़ चल रही है अब। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ज़ाहिर है ऑनलाइन थे और पार्टिसिपेट भी बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। हम लोग को खुशी होती है ज़ाहिर है जूनियर्स आते हैं और वो काफ़ी जो है वो आजकल मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ही जो है वो सीखने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं कि कुछ सीख लें, ज़ाहिर ये सीखेंगे तो आगे जाके आपको बहुत काम आएगा। इंडस्ट्रीज में परेशानियाँ जो हम लोगों ने देखी हैं फेस की हैं वो उम्मीद ये है कि आप लोगों को कम परेशानी फेस होंगी, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो अब लाइफ स्टाइल है थोड़ा सा जो
लर्निंग स्टाइल है वो बहुत चेंज हो गया है। पहले इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं था, लेकिन अब इंडस्ट्रीज में जो है वो काफ़ी जो स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास वो काफ़ी जो है नॉलेज रखते हैं, और ज़ाहिर है अच्छी बात है, नॉलेज होगी तो आप लोग जो है वो हर जगह जो है वो कहीं फंसेंगे नहीं, आप लोग कहीं भी परेशानी नहीं होगी नहीं आपको।